न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वैसे तो वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बखूबी अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अगर बात वर्तमान में चल रही डेंगू की कर लें तो इसे लेकर भी न केवल सरकार बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी कर्तव्य निष्ठा से लोगों को इस बीमारी से बचाने में जुटा है। ऐसे में हम बात करें रेवाड़ी जिला की, तो यहाँ स्वास्थ्य आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 265 केस डेंगू पॉजिटिव सामने आए हैं और फिलहाल 21 मरीज ही अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि बाकी सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो डेंगू से निपटने के लिए रेवाड़ी स्वास्थ्य प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। मरीजों को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जिसमें 50 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं जिला के अंतर्गत आने वाले कस्बा कोसली में 20 और बावल में भी अलग से बनाए गए वार्ड में 10 बेड मौजूद हैं और सभी बेड पर मच्छरदानी भी लगाई गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर मरीजों को इधर उधर न भटकना पड़े, इसके लिए नागरिक अस्पताल में ही RDP मशीन यानी प्लेटलेट और प्लाज्मा की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। इतना ही नहीं, डेंगू को बढ़ने से रोकने के लिए जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर जिला की तीनों नगर पालिकाओं के साथ स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग भी कराई जा रही है। वहीं खास बात यह है कि संबंधित डॉक्टरों के साथ स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार न केवल पूरे अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं बल्कि स्वयं मरीजों की OPD भी देख रहे हैं, जिसे लेकर यहां भर्ती मरीज भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहद खुश दिखाई पड़ रहे हैं। और रेवाड़ी ही नहीं, दूसरे जिलों के डेंगू पीड़ित मरीज भी अपना इलाज कराने के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में पहुंच रहे हैं और लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि अगर इसी तरह सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगे तो उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख न करना पड़े। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो स्थिति पहले से काफी अच्छी हो गई है और दिवाली के बाद डेंगू के केस भी कम आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी लोगों को समझना होगा कि डेंगू कम जरूर हुआ है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए अभी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि डेंगू का मच्छर अक्सर दिन में काटता है, इसलिए पूरे कपड़े पहनकर रखें और घर में अगर कोई डेंगू का मरीज है तो उसे भी अलग रखें और मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और प्लेटलेट का खास ख्याल रखें। वहीं आसपास पानी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? चौड़ोली के महेंद्रगढ़। यहाँ किस लिए आए हॉस्पिटल में? डेंगू हुआ। कब एडमिट हुए? 3-4 दिन हो गए। क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, तो अभी किस तरह की यहाँ सुविधाओं की बात करें, किस तरह की सुविधाएं? अच्छी है सर, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। कितना आराम मिला यहाँ आने के बाद? अभी आराम है, अभी तो छुट्टी लेके चला जाऊंगा। कहाँ? महेंद्रगढ़ से आए हो यहाँ इलाज? वहाँ क्यों नहीं कराया? ऐसे ही दिख रहा है, यहीं आ गए थे। यहाँ अच्छा लग? कितने दिन हो गए अभी? 2 दिन हो गए। नाम सर हनुमान सिंह। कहाँ के रहने वाले? थोड़ा गाँव के निवासी। डेंगू हो गया आपके? जी। तो अभी यहाँ एडमिट है, क्या कहेंगे? खूब बढ़िया सरकार होती है, यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है। और मेरी 23,000 प्लेटलेट थी, अब धीरे धीरे कवर करके 1,00,000 से ऊपर हो गई है। कितने दिन हो गए यहाँ एडमिट हुए? यहाँ आज मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिल रही है? सर हर प्रकार की सुविधा है, कोई प्रकार की कमी नहीं नजर आ रही। स्टाफ भी बढ़िया है, इधर का बहुत बढ़िया है। देखो, फोगिंग के लिए हमने उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में मीटिंग भी की थी, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज के म्यूनिसिपल कमेटी बावल धारोड़ा इनके थे, EO थे। तो फोगिंग के लिए इनको ये कहा गया था, जैसे धारोड़ा में फोगिंग की है, कुछ बावल में और अर्बन में भी फोगिंग की है, और बाकी हमारे स्वास्थ्य विभाग के 2 मशीनें हैं, तो जहाँ अगर लगता है भी जरूरत है फोगिंग की, अगर कोई डेंगू पॉजिटिव है उसके आसपास हम स्वास्थ्य विभाग भी करवाते हैं। और अब भी हमने भी काफ़ी करीब 100 के करीब गाँव में हमने खुद भी करवाई स्वास्थ्य विभाग में, और अर्बन एरिया में करवाई भी, और जरूरत पड़ेगी तब भी करवाएंगे। और डेंगू के लिए एक और बात बताना चाहूँगा मैं, भी हमने कल कुछ बेड भी बढ़ाए हैं, जैसे सिविल अस्पताल में करीब 20 बेड और बढ़ाकर 50 बेड बना दिए हैं, मच्छरदानी उपलब्ध करवा दी गई, और कोसली में भी हमने 20 वार्ड का डेंगू वार्ड बनाया और 10 वार्ड का बाउल में रखा गया है, ताकि मरीजों को किसी भी तरह बाहर जाना ना पड़े। और हमारे ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन है,
उससे रैंडम डोनर प्लेटलेट उसकी सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, तो ताकि भी गरीब मरीजों को बाहर ना रखें। सर देखा गया है कि जब डेंगू किसी एरिया में या किसी गांव में डेंगू के 4-5 पेशेंट मिलते हैं उसके बाद प्रशासन जागता है और वहां फोगिंग भी कराई जाती है और सुरक्षा के लिए एक उपाय भी किए जाते हैं, तो क्यों ना पहले ही ये सब चीजें की जाए जिससे कि डेंगू के जो मच्छर है वो पनपने ही ना पाए। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने इस बार जून जुलाई से मेरे हेल्थ इंस्पेक्टर एक्साइज है एनपीडब्ल्यू की मीटिंग में तो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी होती है जिससे जिसमें भी जहाँ गड्ढे वड्ढे पानी के भरे हुए उनको भर दिया जाए, काला तेल डाल दिया जाए, और हमारे पास करीब 472 के करीब वाटर लॉगिंग बॉडीज है जैसे जोड़ है तालाब है, तो उसमें सभी में हमने करीब 2-2 बार जो गंबूजी फिश है जो लार्वा खाती मछली की वो हम डलवा चुके थे, अदरवाइज हो सकता है इससे ज़्यादा केस आते हैं और रेगुलर हमारी मॉनिटरिंग रहती है इस काम के लिए। देखिए अब तक रेवाड़ी में जो डेंगू के टोटल केसेज हैं वो 265 हो चुके हैं, कल भी हमारे पास 5 नए मरीज आए हैं जिनका एलिजा पॉजिटिव था, और अगर एडमिशन की बात करें तो इस टाइम हमारे सरकारी अस्पताल में 5 कोविड डेंगू के जो कंफर्म केसेस हैं वो एडमिट हैं और प्राइवेट के अंदर लगभग 16 पेशेंट एडमिट। देखिए अब स्थिति पहले से तो काफ़ी अच्छी हो गई है, अब केसेस जो पर डे हमारे पहले जो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे अब काफ़ी कम आना शुरू हो गए हैं दिवाली के बाद से। यहाँ पर डेंगू के हमारे वार्ड अलग से बनाए गए और हमने अपने जो बेड थे वो इंक्रीज कर दिए हैं, जिसमें से हमने सरकारी अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड कर दिए हैं, कोसली के अंदर हमने 20 बेड कर दिए हैं और सीएससी बावल के अंदर हमने 10 एडिशनल बेड कर दिए हैं। अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा कन्फर्म केस नहीं था डेंगू का जिसकी डेथ हुई है। जो स्थिति अभी नियंत्रण में कही जा सकती है लेकिन प्रिकॉशंस हमें अभी भी वही रखने हैं जो पहले थे। मेरी जनता से यही अपील है कि जैसे दिन के समय डेंगू का जो मच्छर है वो जनरली दिन के समय काटता है, तो बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो उन्हें पूरी बाजू की शर्ट और पैंट पहना के ही बाहर भेजें। कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसको अलग कमरे में रखें और मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में भी जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसको यूज़ करें, तथा यदि आपको डेंगू होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्लेटलेट लेवल क्या है और आप डिहाइड्रेट ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है पानी पीना है और अपना खाना जो है जैसे आप खाते हैं वैसे ही खाना है। सबसे बड़ा बचाव सावधानी ही है, एक कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सभी से अनुरोध है कि डेंगू कम ज़रूर हुआ है पर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आपके घर के आसपास आप साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें, जैसे कि सरकार भी हर रविवार के दिन ड्राई डे बनाती है, तो हर रविवार के दिन आपके घर में जितने भी बर्तन हैं, गमले हैं या टायर पड़े हैं, कोई भी ऐसा सामान जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है उसको आप साफ करके सुखा लें।